जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह 2021 के आखिरी दो दिनों के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 29 नवंबर और 30 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, ये दो दिन किस तरह से परिवर्तित होंगे, क्या योग बनेंगे और उन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। फिर आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन दो दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग क्या होने वाले हैं, क्योंकि उसी के अनुसार आपके दिनचर्या में परिवर्तन होंगे। तो 29 नवंबर का दिन, ये सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार का दिन, कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, प्रीति नाम का योग बनेगा। चंद्रमा बुध की राशि कन्या राशि में है और सूर्य वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में है, तो चंद्रमा आपके लगन में बैठे हुए हैं। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 तक। अब बात करते हैं हम 30 नवंबर के बारे में कि 30 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये जो 30 नवंबर का दिन है, ये मंगलवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि है, जिसको उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है, उत्पन्न एकादशी कहा जाता है इसको। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा जो एक शुभ नक्षत्र है, आयुष्मान नाम का योग बनेगा, द्विपुष्कर नाम का योग बनेगा। द्विपुष्कर योग में ये शुरुआत इस एकादशी तिथि की होगी, चंद्रमा कन्या राशि में ही होंगे और सूर्य होंगे वृश्चिक राशि में ही, और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:36 से दोपहर 12:28 तक। तो ये हो गई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अब बात करते हैं 29 नवंबर के राशिफल के बारे में कि 29 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो एक तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, सेहत संबंधी परेशानियां अगर थीं तो वो दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। घर की छोटी छोटी चीजों की तरफ आप ध्यान देंगे, कुछ घर की जरूरतों की तरफ ध्यान देंगे, जिन पर आप खर्चा भी करने वाले हैं, कुछ खरीदारी करने वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है कि चीजें इतनी महंगी हैं। लेकिन आप गैर जरूरी चीजों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, सिर्फ वही चीज आप खरीदें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नए प्रेम संबंध बनने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तब आपके लिए बहुत भारी भी पड़ सकता है। व्यक्तिगत तौर पर अपनी गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचना होगा किसी भी व्यक्ति के सामने, वरना पोल खुल सकती है और मुसीबत में पड़ सकते हैं। साझेदार है आपका जो, उससे संवाद करते समय थोड़ा ध्यान रखें, वरना संवाद करते हुए आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो वक्त को कठिन कर दे। आज मौसम का मिजाज अच्छा रहेगा, आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और कुछ आराम करना भी पसंद करेंगे आज आप। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, समय बहुत कीमती है, उसकी बर्बादी बिल्कुल ना करें, सही समय पर सही कार्य करें। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ किसी भी तरह का फैसला लेना है तो भावनाओं में आकर बिल्कुल ना लें। कोई पुरानी बातें कुछ आपके सामने आ सकती हैं, उनको सुलझाने का कार्य करेंगे, पारिवारिक स्थितियों को ठीक करने का कार्य करेंगे, कुछ समस्याएं चल रही थी तो। और नज़दीकी संबंधों में अचानक से कुछ ऐसे उलटफेर होने के योग हैं जो स्थितियों को संभालेंगे। वाहन चलाते हैं तो वाहन का सावधानीपूर्वक उपयोग करना है। देखिए, लगन में बैठे हुए हैं चंद्रमा, लगन में चंद्रमा का मतलब, देखिए चंद्रमा क्या है, मन के कारक ग्रह हैं और पहला भाव क्या है लगन का, वो है व्यक्तित्व का भाव, तो ये मन को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहें ताकि एनर्जी आपके अंदर बरकरार रहे, हर चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी दिखाएं, साथ ही से तालमेल अच्छा बनाकर रखें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भटक से गए हैं, क्योंकि आज संभावना है कि आप भटक जाएं, तो वहां भी संभाल कर चलना होगा, हर स्थिति को ध्यान में रखना होगा, किसी भी तरह की समस्या हो उससे आगे बढ़ना होगा। रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो शादीशुदा लाइफ है आपकी, वो आज के दिन लजीज मिठाई जैसी होने वाली है,
बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी एक दूसरे के साथ, अच्छा समय आप बिता पाएंगे, यादगार समय बिता पाएंगे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है। अब आ जाते हैं 30 नवंबर, नवंबर माह का आखिरी दिन और मार्गशी इस माह की एकादशी तिथि। एकादशी तिथि है जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। महीने में दो एकादशी आती हैं, प्रत्येक का नाम अलग होता है। इसका उत्पन्न नाम एक है, उत्पन्न नाम की एकादशी है ये। इस दिन सुबह को भगवान विष्णु को हल्दी मिला हुआ जल डालकर अर्घ्य जरूर दें, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और मन ही मन आप इस एक मंत्र का जप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप जरूर करें, यह आपके मन में शांति लेकर आएगा, आपके कामकाज में भी उसका प्रभाव होगा। शाम का समय तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाएं। कन्या राशि में चंद्रमा है, आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे आप। द्विपुष्कर योग है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप अपने कुछ विचारों को लोगों के सामने रखेंगे और उस पे कुछ लोगों की मोह भी लग सकती है, विचार बड़े सराहनीय होंगे। ये समय आपका अपनी रुचि पर ध्यान देने का भी है। आप अपनी रुचि पर ध्यान दें, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर खुशी लेकर आएगी। और जब आप मन से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो स्थितियां आपको अपने चारों तरफ बड़ी पॉजिटिव दिखाई देती हैं, सकारात्मकता आती है मन में कि हाँ आप हर कार्य को कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भाव होते हैं जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं, खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। अगर आप कुछ कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए छुट्टी भी ले सकते हैं, ताकि आप अपने जो कार्य हैं उनको पूरा कर पाएं। कुछ लोगों के लिए ये दिन शादी विवाह में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का है, परिवार के लोगों से मिलना, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना, उसमें भी दिन जाएगा। अपने जरूरी काम, जिनको आप महत्वपूर्ण काम मानते हैं, उनको दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में करें और हरे रंग का उपयोग करें। हरे रंग के वस्त्र आज पहने जो उत्तम रहेगा, या पीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि भी है तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए दिन शुभ है। दोस्त की मदद से कहीं धन लाभ का योग है। अधिकारी भी आज आपको मदद देते हुए दिखेंगे, तो इस लिहाज से, करियर के लिहाज से भी दिन अच्छा है। जीवन साथी पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे, दूरियां खत्म होंगी। करियर में प्रगति के मौके जरूर मिलेंगे। जब सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाते हैं तो मन में बड़ी खुशी होती है, यही आज आपके साथ होगा। कारोबार और नौकरी में अपने सभी सोचे हुए कामों को पूरा कर पाएंगे और आपका जो व्यवहार होगा वो सामने वाले व्यक्ति पर एक कारगर छाप छोड़ने में साबित होगा, यानी अपनी छाप छोड़ पाएंगे आप लोगों के ऊपर अपने व्यवहार की वजह से। आपको याद करेंगे वो कि हाँ वो व्यक्ति बड़ा अच्छा था, ऐसी यादगार बनेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, सेहत भी अच्छी है। अपने दिन को बेहतरीन करने के लिए आप इन शुभ कलर का प्रयोग जरूर करें, पीले या हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनें। और अपनी इच्छाओं को सम्मान देना तो बिल्कुल ना भूलें। जो आपके मन में इच्छाएं होती हैं उनको सम्मान दें, उनको पूरा करने की कोशिश करें, उनसे भागे नहीं। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो उनको पूरा करें। इससे मन में एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।